हेलो एवरीवन, एक बार ज़रा कंफर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर हो रही है फिर नहीं। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है क्लास ऑन करते ही कि ऑडियो और वीडियो क्लियर हो रही है फिर नहीं। क्या बार बार अपेयर हो रहा है। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वापस आपका स्वागत है अन अकेडमी के चैनल पे, और हम हैं अभी हम हैं अब कहाँ पे, इंडियन डिफेंस फाइटर चैनल के ऊपर जो कि अन अकेडमी का ही है। चलिए ठीक है, आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले स्लेव डायनेस्टी। कल हमने क्या कवर करा था, कल हमने कवर करा था तुर्कों का भारत पर आक्रमण। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही तुर्क वहाँ पे मरता है वैसे ही फिर क्या हो जाता है, इधर पे स्लेव डायनेस्टी आती है। बोले तो दिल्ली सल्तनत की अब शुरुआत होगी। दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आगे बढ़ जाऊँ तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी, आपकी अपनी जीएस मेंटर, और हम आज करने वाले हैं हिस्ट्री। और फिलहाल मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट में, बच्चे बच्चों को मैंने मेंटर किया है और अब तुम लोग को कर रही हूँ। चलो, तो अपने इंडिया वाले एयरफोर्स एक्स एंड वाई वाले, नेवी वाले, आपको पता है आप यहाँ इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी सुविधाएं जो होती हैं प्रोवाइड कराई जाती हैं, आपके सिलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ से बाहर और कुछ भी नहीं आता है। यहाँ आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको ऐप के ऊपर। उसके बाद जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको बकायदा आपका सारा कोर्स जो रहता है वो कंप्लीट कराया जाता है, और वहाँ पे पूरी की पूरी गाइडेंस मिलती है जो आप प्लस कोर्स पे आते हो। जैसे ही आप आते हो प्लस कोर्स पे, तो आपको आता है डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें एजुकेटर के साथ आप चैट कर सकते हो, अपने एजुकेटर के साथ आप बात कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। आंसर पोल होते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं ताकि अपने प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर सको। रेगुलर मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और क्विजेस होते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप किस टाइम के हिसाब से कितनी टाइम लिमिट पर आप कंप्लीट कर पा रहे हो एक सवाल। तो वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, जो बच्चे नहीं जान रहे उनको उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आपके सारे के सारे जो कोर्सेज रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, एक लाइन में लगे हुए रहते हैं ताकि आपके लिए सहूलियत हो ढूंढने में कि कहाँ से और कैसे पढ़ना है। अनलिमिटेड एक्सेस से आपने सब्सक्रिप्शन एक लेना है, लेकिन उसके साथ ही आपको जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो सब आपको एक जगह एक लाइन में मिल जाएंगे। आप सब्सक्रिप्शन एक लोगे, लेकिन आपके आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। और अगर जो कोर्सेज आप छोड़ चुके हो, आप नहीं पढ़ पाए हो, उसके आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे आपके सिलेबस है, कितने सारे आप कोर्सेज हैं, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए, जैसे ही आप आते हैं आपने अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना। अगर आप लोगों ने अन अकेडमी का ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें। अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करते ही आपको वहाँ पे जाते ही क्या होगा, आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपने अपने मेल आईडी से अपने फ़ोन नंबर से आपने रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने गोल अपना सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पेज खुल जाएगा। एक महीने का, तीन महीने का, छः महीने का, एक साल का या दो साल का, जो भी आपको सहूलियत लगता है, जो भी आपके लिए लगता है कि हाँ बेहतर है और हो सकता है, आप वो लेके प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप एक साल का लेके प्रोसीड करो तो आपको पड़ता है 8,000 रुपये, अगर आप दो साल का लेते हो तो पड़ता है 9,600, और ये अमाउंट और भी कम हो जाता है, वेरी कर सकता है। आप जिस अलग अलग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप अगर आप एनडीए एयरफोर्स के लिए कर रहे हो तो बस उसका फी स्ट्रक्चर है, ये और भी अमाउंट कम हो जाता है जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो यहाँ पे दिव्या मैम का, DIVYA, और ऊपर भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, देन यू विल गेट 10% ऑफ। चलो, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। चलिए पहली बार बच्चों को देख लें। बच्चों, आपको जो YouTube पे जो क्लासेस मिल रही हैं पूरी की पूरी फ्री हैं। क्लास को पहले फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। बेसिक टू एडवांस क्लास आई एम वेटिंग फॉर यू। माय गॉड, तुम टाइम से इंतजार कर रहे हो। जय हिंद, जय हिंद। अमन, सूरज, गुड आफ्टरनून। वरदान, गुड आफ्टरनून। रोहित कुमार सिंह, अभिषेक राज, शुभम कुमार, सूरज गुप्ता, चलो ठीक है, हम शक्ल है ना। नमस्ते, नमस्ते। आनंद, मूलू पांडे, नहीं बच्चों, आज अन अकेडमी पे आज क्लास नहीं है। अन अकेडमी के ऊपर आपकी क्लास कल रहेगी, ठीक है। देखो, जब हमने पढ़ना शुरुआत करा तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा,
किस तरीके से तुर्कों का आक्रमण होता है, किस तरीके से तुर्क जो होते हैं वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद जैसे ही घौरी की मृत्यु होती है तो उसके जितने भी गुलाम थे जो कि भारत में थे, जो यहाँ पे उसके पीछे यहाँ पे शासन कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब उसका काम काज जो था उसको देख रहे थे सही ढंग से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए फटाफट एकदम। ज्यादा कहानियों में नहीं उलझेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। जितना भी पॉइंट होगा उस पॉइंट टू पॉइंट की बातें करेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो हिस्ट्री है, इतिहास है, तो कहानियों का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम बात और हम अपना फोकस उसी जगह पे रहेगा जहाँ से आपके सवाल हर बार बनते हैं। और एक जो बेसिक नॉलेज होगा ना, वो बेसिक नॉलेज आप अपने पास पूरा पूरी कवर अप कर लोगे, जहाँ से बाहर आपके सवाल कभी भी नहीं आएंगे। जैसे ही घोरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यल्दोज, ये कुछ गुलाम थे जो उसके पीछे यहाँ पे रह जाते हैं। घोरी को तो खैर उसको मार दिया जाता है सिंध नदी के पास, आपकी दमयक नदी के पास, सिंध में दमयक नदी के पास घोरी की हत्या कर दी जाती है, जो कि बड़ी सही करी जाती है कहीं ना कहीं। अब समझना पॉइंट को। उसके बाद आता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम था वो आता है। अब यहाँ से अपनी क्या होगी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी यहाँ से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये तुमको मामूलक ऑरिजिन दिख रहा ना, मामूलक वंश, इसका असली मतलब होता है दास वंश। तो तुम बोलोगे कि मामी मामूलक ऑरिजिन का मतलब क्या है, अगर दास वंश है तो यहाँ पे सिंपली स्लेव डायनेस्टी क्यों नहीं लिख रही है। चलो ये सब बताने से पहले बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की जैसे ही शुरुआत हुई तो कितने सारे वंश जो कि आए थे। सबसे पहला गुलाम वंश आता है, बोले तो कौन आपका, ये दास वंश स्लेव डायनेस्टी आता है। इसके बाद क्या आता है, प्रथम इलबरी वंश आता है, प्रथम इलबरी वंश आता है। उसके बाद आपका द्वितीय इलबरी वंश आता है। प्रथम इलबरी वंश में कौन राज करता है, इल्तुतमिश राज करता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है राज करने। तो उसको उसके वंश से उसका नाम रखा जाता है क्या, प्रथम इलबरी वंश। बोले तो कौन है उसमें, इल्तुतमिश का राज, ठीक है। उसके बाद द्वितीय इलबरी वंश आता है, जिसमें कौन आता है, बलबन आता है। उसके बाद आपका लोदी वंश आता है, सैयद वंश, लोदी वंश, ये जो सारे वंश होते हैं ये सारे के सारे वंश आपके आते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको पूरा का पूरा डेटा चार्ट जो है आपको बता के दूंगी। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। चलिए तो मामूलक जो है दास वंश नाम था, लेकिन इसको मामूलक नाम किसने दिया था और कहां से आया था, तो मामूलक का मतलब क्या होता है पहले ये बता देती हूं। मामूलक का मतलब होता है जिसके माता पिता दास नहीं थे, बोले तो इंडिपेंडेंट पेरेंट्स का जो बच्चा हुआ, स्वतंत्र माता पिता की औलाद को कहते हैं मामूलक, लेकिन उसका जो बच्चा था वो दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था, किसका वो स्लेव था, किसका, घौरी का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता जो थे वो दास नहीं थे। तो अगर हम इसको दास कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि पहले ज़माने में दास उसे कहते थे जिसके माता पिता, उसके ग्रैंडफादर, मतलब एक वंश जो है, जब भी हम वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो वंश का मतलब क्या हो जाता है कि उसका एक पूरा जो हिस्ट्री है, पूरी जो डायनेस्टी चली आ रही है वो कैसी चली आ रही है, दासों वाली चली आ रही है। तो हबीतुल्ला नाम के एक आदमी थे, इतिहासकार थे, हबीतुल्ला थे, जिसने इस वंश को क्या कहा था, मामूलक वंश कहा था, मामूलक ऑरिजिन कहा था। मतलब इसका एक, जिसके माता पिता दास नहीं थे लेकिन उसके बच्चे दास होते, स्वतंत्र माता पिता की औलाद को मामूलक कहा गया यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, ये जो मामूलक जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इजिप्ट में, ईरान में बहुत ज़्यादा चलती थी उसके टाइम पे। इंडिया में मतलब माँ बाप जो है नॉर्मल इंसान है, लेकिन उनके बच्चों को पकड़ लिया जाता था, उसके बाद जब इनको लेके आया जाता था, राज में लेके आया जाता था, वहाँ पे इनको दास बना दिया जाता था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद दास हो गया। चलो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, किस्सा कहानी ख़त्म। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर राज करने आता है,
क्योंकि अब उसकी मालिक की मृत्यु हो जाती है और उसमें सबसे पावरफुल कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। बख्तियार खिलजी के बारे में बाद में बात करूंगी कि बख्तियार खिलजी को क्यों नहीं मिला। चलिए कि बख्तियार खिलजी को क्यों नहीं मिलता है यहाँ पे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, कई बार आपके सवाल आते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। फटाफट जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी, हाँ जी तुगलक जो है सबसे ज्यादा राज करने वाला था, तुगलक ने सबसे ज्यादा राज किया था यहाँ पे, पता होना चाहिए आप लोगों को। हैप्पी मदर्स डे। चलिए बताइए फटाफट, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछ रही हूँ मैं, तुम लोगों को मन नहीं लगता कभी पढ़ने में। ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब देखो, जब ये यहाँ पे आ गया तो इसने कौन कौन सी जगह पे राज करना शुरू किया? इसने कोई भी नई चीजें नहीं स्थापित करी। एक तो इसने सबसे पहले कहा कि मैं दास हूँ, मैं घौरी का दास हूँ और मैं उसी नाम से जाना जाना पसंद करता हूँ, जबकि इसको सुल्तान की उपाधि दी जा रही थी लेकिन इसने उस उपाधि को ग्रहण नहीं किया। इसने कहा कि मुझे स्लेव के नाम से ही जाना जाए तो वो मुझे बेहतर लगेगा। तो अगर पूरे सल्तनत में अगर बात आएगी कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली और राज किया, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का सवाल क्या आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ कहाँ पर राज करता था। देखो सवाल में क्या आते हैं, किसने कौन कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए, किसने कौन कौन सी जगह पे युद्ध करे और कौन कौन सी जगह को विजय करा, कौन कौन सी जगह पे विक्ट्री स्थापित करके उसे अपने अंडर रख लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या उपाधि मिली थी, इसके जीवन में जो अगर इम्पॉर्टेंट कुछ काम हुए होंगे उसके बारे में मेंशन रहता है और उन्हीं चीज़ों के बारे में हमको बस पढ़ना होता है, ठीक है। यस यस यस, कोई बात नहीं, जिनका नेट स्लो चल रहा है आप बाद में भी देख सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ इसलिए आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए, एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखो जब बात आती है किसका राज, कहाँ कहाँ इसने राज किया, तो घौरी ने जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में कुछ इसने विक्ट्री करी थी उन सारे जगह पे ही बस इसने राज किया, जो कि घौरी द्वारा विजित जगह थी उन पे राज किया। वो कौन कौन सी थी, सियालकोट, कहाँ लिखूँ मैं, रुक जाऊँ, हिंदी में लिख देती हूँ, सियालकोट, जिसको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगी मैं बोलती भी जा रही हूँ, मेरठ, क्योंकि मेरे से वैसे भी इस पर लिखाता नहीं है, सियालकोट, मेरठ, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, अलीगढ़, बिहार और लखनऊ। उसे उस टाइम पे लखनौती भी कहते थे, ठीक है। अभी पढ़ लो, अभी जो हिस्ट्री चल रही है पहले मेडिवल पढ़ लो, इसके बाद अपन स्टार्ट कर लेंगे, एशियन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ ज़्यादा सवाल बनते हैं पहले वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वही वही पे राज किया जहाँ जहाँ पे घौरी द्वारा विजित जगह थी, जैसे सियालकोट, मेरठ, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, अलीगढ़, बिहार और लखनऊ, जिसे लखनौती के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में कि इसने इसको क्या क्या उपाधियाँ दी गई, तो उपाधियाँ लिख लीजिएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन को उपाधि मिली थी लाख बख्श की उपाधि मिली थी, कहते हैं कि बहुत अच्छा दान पुण्य करता था और बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान था, लेकिन जो कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी ये सारे इन्वेडर्स ही थे ऑलमोस्ट काहे का काइंड हार्टेड, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया और काइंड हार्टेड। प्लीज़ यहाँ पर स्पैम मत कीजिए, शिवप्रताप सिंह यही कमेंट्स को बार बार मत डालिए, बाकी बच्चों को फिर यहाँ पे इशू हो जाती है। अब इसे उपाधि दी गई थी, दो चीज़ों की उपाधि इसे मिली थी, एक लाख बख्श की और एक मौलिक की उपाधि दी गई थी। कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, लाख बख्श की और
मौलिक की उपाधि दी गई थी। अब दूसरी बात क्या आएगी आपकी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐबक ने किस जगह को राजधानी बनाया था और वहां से वो राजपाट अपना कंटिन्यू करता था। तो इसने लाहौर को ही राजधानी अपनी बना के रख लिया था, जिससे जहां से घौरी राज करता था। मैंने कहा ना इसने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, जो जो मतलब एकदम वो वफादार वाला सिनारियो। बच्चा आप लोग की क्लास यहाँ हो रही है, आप लोग टेलीग्राम पे क्यों यहाँ सारे लोगों को ना मैं ब्लॉक कर दूंगी, सच बता दे रही हूँ। नहीं देखो, बहुत सारे किताबों में अलग अलग सिनारियोज लिखे हुए, लेकिन अगर तुम लोग प्रथम जितने भी प्राथमिक या फिर जितने भी प्रमुख इतिहासकार हैं अगर तुम लोग उन पे जाओगे तो दो उपाधियों के बारे में जिक्र कराया हुआ है, एक है लाख बख्श की और एक है मौलिक की। लाख बख्श कहा जाता है कि बहुत ही उदार था और दान पुंज जो था ये बहुत ज़्यादा देता था, और ये कहाँ से कंट्रोल करता था, ये लाहौर से कंट्रोल करता था, ठीक है। उसके बाद सिनारियो ये आता है कि एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार थे जिसे रेवटी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि उस टाइम पे एक जगह थी बदायूं करके, जो कि किसके कंट्रोल में थी, इसी के कंट्रोल में थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में थी बदायूं बोल के, जो कि उस टाइम पर सबसे ज्यादा राजस्व देती थी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली जगह कौन सी थी उस टाइम पे, बदायूं थी जगह, जो पूरे भारतवर्ष में पूरी जगह में जितने भी इसके अंदर थे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करता था, बदायूं से। अब बात करते हैं, ये सारी पॉइंट क्लियर हो गई, कहाँ कहाँ पर इसका राज था, इसे क्या क्या टाइटल मिला था, इसने कौन से टाइटल को, किस उपाधि को इसने ग्रहण नहीं किया था, सुल्तान की उपाधि को इसने ग्रहण नहीं किया था, क्लियर हो गया वो सारी चीज़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों पर, इसकी बेटियों के बारे में बात करते हैं। अब मैं बेटियों के बारे में इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि आगे चल के जो इलबरी वंश आने वाला है वो इलबरी वंश इसी की दामाद का आने वाला है, जो कि बड़ा खतरनाक निकलता है। हाँ वरदान वही करना होगा। अब देखिए यहाँ पे सिनारियो क्या हुआ, इसकी तीन बेटियाँ थी, और पहले मैं बता दूँ बहुत सारी किताबों में ये भी जिक्र है कि इसका एक बेटा था आराम शाह करके, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप बहुत जितने भी अगर प्रोमिनेंट इतिहासकारों पे जाएंगे, आप हिस्टोरियन पे जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा आराम, ये जो आराम शाह था वो कोई अलग ही आदमी था, ठीक है, आलम शाह आराम शाह उसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। और कहीं पे ये भी जिक्र है कि इसकी सिर्फ दो बेटियाँ थी और एक बहन थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब बहुत सारी किताबों को एक बार कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हिस्ट्री है, हर कोई कुछ अलग 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 डेटा यहाँ पे शो करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तीन बेटियाँ थी, प्रमुख इतिहासकारों पर जाओगे तो वहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि इनकी तीन बेटियाँ थी इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। एक बेटी की शादी हुई थी, देखो इसमें मैटर नहीं करता कि बेटी का नाम क्या क्या था, कहता रहा इनकी पुरानी मेंटालिटी वाली चीज़ें, तो कहीं भी इनकी बेटियों के नाम के बारे में जिक्र नहीं है, बस इतना मेंशन है कि तीनों बेटी की जो शादियाँ हुई थी, किस किस से शादियाँ हुई थी। एक जिससे हुई थी वो था, एक सेकेंड, एक था नूरुद्दीन कुबाया, एक था नसरुद्दीन कुबाया, एक बेटी की शादी थी नसरुद्दीन कुबाया से, एक की शादी हुई थी इल्तुतमिश से, एक की शादी हुई थी किससे, इल्तुतमिश से, और एक की शादी हुई थी यल्दोज से, ठीक है। अब मैं आगे चल के बताऊंगी कि नसरुद्दीन कुबाया जो था उसको इल्तुतमिश ने मार दिया था, आगे वाली जैसी इसका जब राजपाट आता है तो इल्तुतमिश इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, क्रूअल, क्रूर, इतना मतलबी इंसान था कि बस राजपाट से मतलब, रिश्ते नाते से किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है उसको। क्या ही कर तुम लोग इंग्लिश लिख रहे हो बाबू, कहाँ लिख रहे हो। अब देखो यहाँ पे नसरुद्दीन कुबाया जो था इसको इसने मार दिया था इल्तुतमिश ने, यल्दोज जो था ये इसके डर से भाग गया था युद्ध में, मैं आगे चल के बताऊंगी आपको, ये युद्ध में ये भाग जाता है, जिसको पकड़ के, इस कमीने को शांति नहीं मिलती है, उसको पकड़ के और उसके बाद क्या करता है, उसको इसकी हत्या कर देता है यल्दोज की। उसका था कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही राज करूंगा, इल्तुतमिश का था कि सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश ही जो था वो राज करेगा। अब देखो चाय, गरम गरम चाय,
मिनिमल इम्पेयर, दैट्स राइट, बहुत ज़्यादा ही था एक्चुअली, थोड़ा बहुत भी अगर होता तो कहा जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा ही था। अब बात करते हैं किसकी चीज़ों के बारे में, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी चीज़ें जो तुम लोग की आती है एग्जाम में इसके बाद, अब आती हैं इसके बाद। देखो एबक के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक, और वो गोरी का बहुत ट्रस्टेड जनरल कमांडर बन जाता है, इसीलिए उसको जो होता है पोजीशन जो मिल जाता है 1192 के अंदर। चलो ये सारी बातें हटाओ। देखो यहाँ पे कुतुबुद्दीन एबक ने क्या क्या चीज़ें थी जो बनवाया था, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, लिख लो वहाँ पे हेडिंग दो निर्माण कार्य, निर्माण कार्य जो कि किसके द्वारा किए गए थे, एबक के द्वारा किए गए थे। पहली कौन सी थी, कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम लिखी दो, ये क्या था, ये एक मस्जिद था, कुवैत उल इस्लाम क्या था, मस्जिद था। दूसरा उसने क्या कराया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अच्छा यहाँ पे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था, पहली चीज तो ये कि वो पहले एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठावरण। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठावरण, वहाँ पे आप अगर आप कभी देखोगे जाओगे ऐसे तो अभी वहाँ पे नवाब चिश्ती बाबा का वहाँ पे मज़ार है, वो भी एक तरीके का मस्जिद ही है, वहाँ पे उर्स का मेला लगता है 3 दिनों का, पंजाब शाह के नाम से उर्स का मेला लगता है अढ़ाई दिन के झोपड़े में। साथ ही साथ वहाँ पे आप अगर देखोगे तो अंदर में एक हरि का नाटक करके एक चित्रण किया हुआ है, हरि का नाटक हुआ था जब वो संस्कृत संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, जब वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई कराई जाती थी तब वहाँ पे एक हरि का नाटक हुआ था जिसके अभी भी वहाँ पे चित्रण किए हुए हैं, पिक्चर्स वगैरह जो हैं अभी भी झोपड़े में उकेरे हुए हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे आपको दिख जाएंगे वहाँ पे करे हुए। पहले तो नाटक होता था तो वो करते थे ना वहाँ पे, इससे जैसे आप राजगीर जाओगे तो राजगीर में देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, जयवंत की जगह में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे क्या करते थे, दीवारों पे बनाते थे ये लोग, उकेरते थे अर्ली मैन के टाइम पे, पता है ना, लेकिन ये तब के बाद भी होता था। कैपिटल करेंसी सब कराई जाएगी, सब कराई जाएगी, मैम ज्योग्राफी चलेगा बेटा, ज्योग्राफी क्लास अब ऑलरेडी हो रही है। कुमार सिंह वानिका एक्सक्यूज मी, ऐप पे आप लोगों की क्लास होगी, काकरूट, ओके काकरूट। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ऊपर कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मेरा कोड दिखाई दे रहा है, दिव्या मैम का है, DIVYAMAM मैम, दिव्या मैम का आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन एबक ने कराया था, किसकी याद में कराया था, कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया था इसने, फिनिश कोई और कराता है आगे चल के बताऊंगी, एक्सक्यूज मी सॉरी। कुवैत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरुआत कराया था, वेट अ सेकेंड, 2 मिनट का वक्त दीजिए मुझे।
चलो वापस से सारे के सारे लोग आ जाओ। अरे सब करा दूंगी सब करा दूंगी, रुक जाओ। चलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुमताज आलम की याद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले से बना हुआ था और वो एक संस्कृत विद्यालय था, उसको रेनोवेट करके उसको डिक्लेयर किया गया था, बाद में मस्जिद डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, एक बजा के पढ़ना ढंग से। उसके बाद देखो कुतुब मीनार जो बनाया था इसने बख्तियार काकी की याद में इसका काम शुरू कराया था। कुतुब मीनार का कार्य जिसने शुरू कराया था किसकी याद में कराया था? बख्तियार काकी, बख्तियार खिलजी मत लिख दियो तुम लोग एग्जाम में, बख्तियार खा काकी, काकी काकी बोले तो क्या होता है, आंटी काइंड ऑफ। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है आप लोगों को? अब देखो इसकी डेथ हो जाती है 1210 में, इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ किस कैसे होती है और किस वजह से होती है? पोलो खेल रहा था चौगान, बोले तो वो घोड़ों पर बैठ के खेलता है ना, तो पोलो खेल रहा था, उस दौरान घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोग इसके दरबार में रहते हैं और आसपास के जितने लोग रहते हैं, वो लोग कहते हैं चलो बख्तियार, ये क्या नाम है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई, अब एक काम करते हैं, अब राजा किसको बनाए। तो इन लोगों ने क्या किया, एक आराम शाह नाम का एक आदमी पकड़ा और उस आदमी को बोला कि हम इसको राजा बना देते हैं। और कहते हैं कि आराम शाह जो था बहुत ही वीक रूलर था, वो जो गुण होते हैं ना लीडरशिप के गुण होते हैं वो गुण नहीं थे इसमें, बहुत ही वीक था ये। हाँ चौगान खेल रहा था, पोलो खेलते मृत्यु हो जाती है। अब देखो जैसे कि मैंने यहां भी मेंशन करा है बहुत ही वीक रूलर था। इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है बेटा, इसको ये मार देता है। पहले तो इल्तुतमिश उसको बुलाता है युद्ध के लिए, युद्ध में इसको पराजित कर देता है, पराजित करने के बाद इसको मार भी देता है। एक बात बताओ ये डिसलाइक करने वाले लोग हैं कौन? हाँ इंग्लिश बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, रुक जाओ सारा मैं ही पढ़ा दूँ। अब देखो यहाँ पे इट इज़ नॉट क्लियर, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऐबक का बेटा नहीं था। लोग बहुत जगह इतिहासकारों ने कहा है कि ऐबक का बेटा था कि बेटा नहीं था। इसे बाद में इल्तुतमिश ने मार गिराया और मारने के बाद वो खुद राज में आ जाता है। ही वॉज कंस्पायर्ड अगेंस्ट बाई द ग्रुप ऑफ नोबल्स हु इन्वाइटेड शमसुद्दीन इल्तुतमिश टू बी द रूलर। अब जैसे कि मैंने बताया दामाद था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और ये कहां का सूबेदार था, ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं मैंने तुम्हें बताया, बदायूं के बारे में क्या कहा गया था कि बदायूं उस टाइम पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली जगह थी। कहते हैं ना जहां भी पैसा आ रहा है वहां पावर आ जा रहा है, देखो सबसे ज्यादा वहां पर रेवेन्यू आ रहा था। अचानक से इल्तुतमिश जो था वो ऑब्वियसली स्ट्रांग हो गया और स्ट्रांग होते ही जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई आराम शाह को रूलर बनाया गया, उसको हरा के उसको पराजित करके और उसे मार के फटाफट बन गया। हीटर से वो मैम कोई ना जाने दो। मेरे गले में आज क्या इशू हो रही है, एक्चुअली बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। और एक बात बता दूँ, ये एक स्लेव था, जैसा कि ऐबक था ना कि ऐबक के माता पिता स्लेव नहीं थे, लेकिन ये एक टर्किक स्लेव था पहले से, तुर्क में एक स्लेव था जिसका जन्म हुआ था किधर, सेंट्रल एशिया के पास। ठीक है, अब ये स्लेव का भी स्लेव था, पता होगा तुमको जैसे कि मैंने बताया तुमको ऐबक का, ऐबक तो खुद किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था, गौरी के गुलाम का भी ये गुलाम था, ये तो गौरी का भी गुलाम था, तो गुलाम का गुलाम कौन हुआ, इल्तुतमिश हुआ। और एक बात बता दो, गौरी का एक भाई था जिसने इन लोगों को आज़ाद कर दिया था, ऐबक को पहले ही, ऐबक को और इल्तुतमिश को कहा था कि तुम लोग हमारे पहले गुलाम थे, लेकिन गौरी की मृत्यु के बाद और कुछ वक्त बाद जो थे ऐबक ने क्या करा, इन लोगों को रिलीज़ कर दिया, बोला कि तुमको जितने भी तुम लोग पे हमारी गुलामी थी अब हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, रिलीज़ कर दे रहे हैं, अब तुम फ्री हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इसकी इन्वेजन इसने कहाँ कहाँ, इसने जाके अपना
जो राजस था उसने जमाया, किसकी पॉलिसीज क्या क्या आई। इल्तुतमिश ने सबसे पहले बिहार को कैप्चर किया फोर्सफुली, बिहार और बंगाल को। बिहार को इसने कैप्चर किया था 1210 में, जहाँ जहाँ इन लोग को पैसा दिखता था ये लोग वहाँ वहाँ निकल पड़ते थे। 1210 में इसने सबसे पहले बिहार को कैप्चर किया था, उसके बाद बंगाल को 1225 में कैप्चर किया था। और ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2020s इल्तुतमिश नेग्लेक्टेड इंडस रिवर वैली विच वॉज कंटेस्टेड बिटवीन मंगोल्स द ख्वाजराम किंग्स एंड द कुबाचा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मंगोल जो थे सबसे सर्वाधिक अटैक मंगोल्स के किसके राज्य काल में हुए थे, सर्वाधिक अटैक जो थे मंगोल्स के किसके शासन काल में हुए थे। जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, इसने अपना जो कैपिटल था ये कहाँ बनाया था, दिल्ली में बनाया था। और एक बात और बताऊं, इसको खलीफा की तरफ से, खलीफा कौन होते थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक मेंबर हुआ करते थे जो इन लोग के देश की जगह में, ठीक है। तो इसको खलीफा की तरफ से सुल्तान की उपाधि प्रोवाइड कराई गई और उसके साथ ही इसको एक सम्मान सूचक वस्त्र भी भिजवाया। जैसे ही तुम लोग से एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा सुल्तान था, स्लीव डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो उसे सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाए गए जिसे खिल्लत कहते थे। क्या कहते थे, खिल्लत। खिल्लत कहते थे जिसे प्रोवाइड कराए गए। तो वो कौन था, ये इल्तुतमिश खलीफा ने भिजवाया था। किसने, खलीफा ने भिजवाया था सम्मान सूचक वस्त्र, मतलब सम्मान देने के लिए एक कपड़े, कुछ कपड़े भिजवाए जाते थे जिसे माना जाता कि सम्मान सूचक वस्त्र के नाम से माना जाता था। बता रही हूँ इल्तुतमिश की बेटी रजिया के बारे में भी सब बता रही हूँ, मेरी तो बड़ी फेवरेट थी भाई, क्या थी कौन थी सब बता रही हूँ आराम से। आज से कहते हैं ना, अगर एक का किसी और को भरना पड़ता है, पहले इसने करी और बाद में किसी और को भरना पड़ गया इसकी वजह से। अब एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था, दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था। तो वहाँ पे तुम लोग किसका नाम लिखोगे, तुम लोग लिखोगे इल्तुतमिश था। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। अरे इंग्लिश कब पढ़ाओगे। यस यस वैधान, एग्जैक्टली धर्मगुरु टाइप। अब देखो यहाँ पे, इसको दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कहते थे। इसने दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था, गुलाम का गुलाम। अच्छा, खलीफा जो थे वो कहाँ का धर्मगुरु थे, बगदाद। यार नाम सुन रहे हो, बगदाद बगदाद। ये वैसे चर्चे में आया था एक बार, याद है बगदाद। अब देखो, इसको उपाधि दी गई थी सुल्ताने आजम की, सुल्तान ए आजम उपाधि दी गई थी इसे, किसी की, सुल्ताने आजम की उपाधि दी गई थी। याद रखना यहां तक का पॉइंट एकदम क्लियर है। सम्मान सूचक वस्त्र दिया था किसने, खलीफा ने, बगदाद के खलीफा थे, बोले तो धर्मगुरु जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं वरदान भी। दिल्ली को इसने अपना राजधानी बनाया, दिल्ली को पूरा का पूरा इसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, लाहौर से सीधे कहा दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि इसने अपनी जीवन काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं। इसने चालीसा दल का गठन किया था, चालीसा दल का गठन किया था। देखो इसकी मार काट में इसकी जीवन रह गई थी, मतलब इसको बस पर्टिकुलरली क्या था कि मेरे को राज करना है, चाहे वो किसी को भी मार के मैं राज करूं, बस मेरे को ये गद्दी चाहिए। बाद में इसकी एक बेटी होती है, उसके बारे में बताती हूँ किस तरीके से लोगों ने किस तरीके से बनने नहीं दिया। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना कि उठने नहीं देना है लड़कियों को आगे, मतलब पहले से ही चला आ रहा है। तुर्कान ए चहलगुनी, तुर्कान ए चहलगुनी, तुर्कान ए चहलगुनी,
ठीक है। अब देखो इसने क्या क्या काम किया था, इसका सबसे मोस्ट जो फेमस काम था बस इसी के बारे में इसका जिक्र किया हुआ कि तुर्कान चहलगुनी जो काम था ये इसने ही करा था। आगे बताती हूँ कौन कौन से कॉइन्स थे जो इसने लेके आए थे। अच्छा, चंगेज खान का इन्वेजन जो था स्टॉप करा था 2021 बता रही हूँ, आज वक्त टाइम पे आया होता तो पता नहीं क्या ही हो गया होता, परेशान होकर चला गया होता, अरे यार शिट कोरोना वायरस ओ नो अब हमें किसी को हराने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आता और निकल लेता। निखिल जयहिंद, देखो ही स्टॉप एट इन्वेजन लेड बाई चंगेज खान, ही कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क एंड कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का काम इसने पूरा किया। कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, खत्म किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। इसने बहुत सारे मस्जिद बनाए, वाटर वर्क से काम किए, जगह जगह पे पानी पहुंचाए, दिल्ली में कहा जाए कि उस वक्त जितनी भी स्थिति थी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार कराया ताकि वहाँ पे राजपाट करने लायक वो जगह जो है वो बन सके सही तरीके से, सारी एमिनिटीज वगैरह जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराई। उसने दो कॉइन जो था उसने इंट्रोड्यूस कराया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसने दो कॉइन इंट्रोड्यूस कराया था, टांका और जीतल, टांका और टंका और जीतल, याद रखना। बार बार ये सवाल मैंने पूछा है तुम लोगों से, जब भी मैं हिस्ट्री की तुम लोग के क्वेश्चन आंसर कराती हूँ ना, इसके बाद मैं टेस्ट लूंगी दो दिन बाद। अरे अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने नहीं कराया, इसने नहीं कराया, कह रही हूँ फिर नहीं सुन रहे हो तुम लोग। इसने इक्तदारी सिस्टम जो था इसने इंट्रोड्यूस कराया था। देखो इक्तदारी सिस्टम में क्या होता था, एक राज्य को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था और डिवाइड करने के बाद जितने भी नोबल्स होते थे उनको उस जगह को असाइन कर दिया जाता था कि लो अब तुम इस जगह को देखभाल करोगे, ठीक है। उसके बाद उनको उसके एवज में सैलरी दी जाती थी और ये सिस्टम तो आज तक चला आ रहा है। अब इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में और उसके बाद मृत्यु के बाद भाई साहब बड़ा बवाल मचता है। इसकी मृत्यु के बाद लोगों के बड़े सारे जो चीज़ें थी वो सिनारी में लोगों के शुरू हो गए थे क्योंकि इसकी एक ही बेटी थी रजिया सुल्तान, मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट बड़ी हिम्मत वाली थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना लोगों ने बहुत विद्रोह किया लेकिन उसके बाद जितने भी वहां के वफादार मेंबर थे उन लोगों ने इस चीज को लेके कहा कि नहीं ठीक है तुम लोग पहले ये पढ़ लो। गुड आफ्टरनून मिश्रा जी, अमन यादव रुक जाओ, तो पहले ये पढ़ लो फिर मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, ठीक है। इंग्लिश कब पढ़ाओगे तुम लोग जो हो ना। अब रजिया सुल्तान आती तो है लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो था यहाँ पे विद्रोह बहुत ज़्यादा ही शुरू हो जाता है, लोग उनको यहाँ बैठने नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लड़की हमारे ऊपर राज करेगी अब ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन जितने भी अमीर लोग थे उन लोगों ने इसको रिजेक्ट करा था। रजिया सुल्तान को जितने भी नोबल नहीं कह सकते, जितने भी रिच लोग हुआ करते थे पूरे राज्य में, पूरे उसके जितने भी इलाके थे जीते हुए भारत में, उन लोगों ने इस बात का पूरा पूरा विद्रोह किया कि रजिया सुल्तान गद्दी पे नहीं बैठेगी। लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे जबकि रजिया सुल्तान की जो एजुकेशन कराई थी इसने बहुत ही अच्छी एजुकेशन कराई थी, जैसे एक लड़की की होती उससे बेहतर ही या फिर उसके जैसा ही, यार कम ऑन। और कहते हैं कि ये पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली, पहली थी, उसके बाद लोगों ने मार भी दिया, उसके बाद आखिरी भी, इनके बाद कोई और महिला ने कभी कोई नहीं बना। उसके बाद क्या होता था, राजा होता था, राजा की रानी होती थी, कभी कोई रानी सुना कि रानी ने राज किया है, नहीं राजा ही होता था, राजा के मरने के बाद ही रानी आके रूल करती थी तो करती थी, ऐसा क्यों होता है लेकिन जाने दो। अब देखो यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं, कुछ बातें रजिया सुल्तान के बारे में। इन रजिया सुल्तान की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, देखो 1236 में बैठती है और 1240 में 4 सालों के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ज्यादा टफ फेज रहा था इस दौरान पे बैठने के लिए, सब बता रही हूँ खुश रहो सब बता रही। देखो रजिया सुल्तान जो थी 1236 लेके 1240 तक उसने राज किया था, वो एक लाल रंग का वस्त्र पहनती थी, लाल वस्त्र पहन के वो राज किया करती थी और कोल्हा नाम की एक टोपी थी। रुको मैंने कहीं फोटो लगाया, ये देखो कोल्हा, इसकी जो पहन के रखा है ना इसने, इसे कोल्हा कहते थे, जिसे रजिया सुल्तान हमेशा पहना करती थी कोल्हा। क्या इसके नाम क्या हो, अगर तुम्हारे आता है एग्जाम में क्या लिखोगे तुम लोग, कोल्हा, कोल्हा नाम की टोपी पहन के ये शासन किया करती थी और इसने लाल वस्त्र पहन के
लोगों से न्याय मांगा था, अपने जितने भी इसके सिटीजन थे, जितने भी इसके लोग थे, प्रजा थी, प्रजा के बीच में जाके इसने न्याय मांगा था और कहा था कि मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। इसकी अगर युद्ध कौशल की बात करी जाए तो इसके पिता ने इसे युद्ध कौशल भी काफ़ी अच्छा दिया था। बचपन से लेकर तब तक जितने भी गुण होने चाहिए थे सुल्तान में, उतने ज़्यादा गुण इसमें रहे थे। एक बहुत ही फेमस इतिहासकार ने कहा था, मिनाज नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि रज़िया में सिर्फ एक कमी थी, वह यह कि वो महिला थी। मिनाज नाम के एक विद्वान ने कहा था, लिटरली आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स बट यू गाइस विल वोंट नो, ठीक है, लाल वस्त्र पहन के इसने मांगा था अपना न्याय, और जितने भी जो लोग थे, मिनाज ने कहा था इसे कि रज़िया में सिर्फ एक ही कमी है, वह यह कि वो एक महिला है। और अल्फ़िस्तीन ने कहा था, आप लोगों को पता होगा इतिहासकारों का नाम, विद्वानों का नाम, अल्फ़िस्तीन ने कहा था कि अगर वो महिला नहीं होती तो वह भारत की एक बेहतरीन सुल्तानों में से एक होती। तो यही सिनेरियो चला। इसने अल्तुनिया से विवाह किया था, अल्तुनिया से इसने विवाह कर लिया था। उसके बाद याकूत जो था, जलाउद्दीन याकूत जो था, बहुत ज़्यादा इस पे उस वक्त के टाइम पे प्रेशर था शादियों को लेके, बाकी बहुत सारे लोग थे कि शादी कर लो, शादी करने के बाद रानी बन के राज करना, लेकिन इस अपने हक के लिए ये लड़ रही थी। उसके बाद इसे वहाँ से अपने राज्य को छोड़ के ये चली गई थी। जब वह वापस लौट रही थी अपने राज्य की तरफ 1240 में, तब इसको वहाँ पे मार दिया गया था युद्ध क्षेत्र के अंदर और इसकी मृत्यु हो गई थी। बात आई समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? और जनता के सहयोग से बनने वाली शासक थी ये, जनता के सहयोग से ही इसको शासन पे बैठाया गया था, थ्रोन पे इसको बैठाया गया था। आफ्टर असेंडिंग टू द थ्रोन ऑफ द दिल्ली आफ्टर फादर डेथ, द रिजाइन वाज ब्रीफली हैंडेड ओवर टू हर हाफ ब्रदर रुकन उद्दीन फिरोज। जाहिर सी बात है कॉन्स्पिरेसी तो होगी ही, हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई, ठीक है, रुकुद्दीन फिरोज। बट आफ्टर फिरोज एसिनेशन विद इन सिक्स मंथ के अंदर अंदर फिरोज को भी मार दिया गया था। उसके बाद जो थे बाकी लोग इस पे अग्री किए थे कि रज़िया को थ्रोन पे बैठाएंगे। एंड शी वॉज नोन एज एफिशिएंट एंड जस्ट, जैसे कि मैंने बताया, मलिक इख्तियार से और उद अल्तुनिया से, जो कि गवर्नर था कहाँ का, भटिंडा का गवर्नर था, उससे शादी की थी। और कहा जाता है कि जितने भी फोर्सेस थे इसके भाई के, उन लोगों ने इसको मार दिया था। और इसका जो दूसरा भाई था मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम, उसने इसके बाद बैठा। अच्छा, इस पे नो बात आई समझ में? चलो, तो आज का जो सेशन था यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? आज हमने दिल्ली सल्तनत में, स्लीव डायनेस्टी में, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा द्वितीय इलबरी वंश बलबन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सारे के सारे लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं वापस आप लोगों से अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन।